रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू विल बी लिसनिंग टू मी। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम क्यूसी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम दो इम्पॉर्टेंट टूल्स आज पढ़ेंगे। एक को जो है कहा जाता है कि जी रूट काज एनालिसिस बोला जाता है, और दूसरा जो हमारे पास होगा हम पारेटो चार्ट। इन दोनों को आज हम पढ़ेंगे डिटेल से। अगर हम देखें तो जो सबसे क्यूसी टूल्स को सबसे पहले समझने की जरूरत है, इसको क्यूसी टूल्स क्यों बोला जाता है। देखें, हमारे पास सात किस्म के टूल्स है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसको एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, एक एक के बारे में एक्सप्लेनेशन और इसके एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। तो क्यूसी, जैसे मैंने पहले बताया था कि दिस इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब ये आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको क्यूसी टूल्स कहते हैं। दिस इज आफ्टर द इवेंट एक्टिविटी और दिस इज यूज फॉर एक्चुअली करेक्टिव एक्शन। कि आप एक करेक्टिव एक्शन इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास यू आर हैविंग सम क्वालिटी डिफेक्ट, यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम विद योर प्रोडक्शन, यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम विद योर सप्लाई चेन, मार्केटिंग, और किसी भी चीज के साथ आपको कोई प्रॉब्लम होता है, यू यूज दिस मॉडल, यू यूज दिस टूल्स एंड मेक इट राइट। तो सबसे पहले जो टूल हमारे पास है इस वक्त, हमारे पास जैसे 4M and 1E कॉन्सेप्ट बोला जाता है, इसको हम लोग रूट काज एनालिसिस भी बोलते हैं, इसको हम लोग इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, इसको हम 4M and 1E डायग्राम भी बोला जाता है। इसको रूट काज एनालिसिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि इसके अंदर इसको सारी काज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोला जाता है, काज एंड इफेक्ट इस वजह से भी बोला जाता है। इसमें हमारे पास एक काज होती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे क्या क्या वजूहात है जिनकी वजह से, यानी एक हमारे पास एक इफेक्ट आता है, एक प्रॉब्लम होता है और उसकी हम काजेज देखते हैं, तो इस वजह से इसको काज एंड इफेक्ट डायग्राम बोला जाता है। इसको रूट काज एनालिसिस क्यों बोला जाता है, इसको रूट काज इस वजह से बोला जाता है कि हम लोगों ने इसके रूट निकालने, किसी प्रॉब्लम के हम लोगों ने रूट्स निकालने हैं कि कोई जो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसकी बुनियादी वजह क्या है। अच्छा, इसको 4M and 1E क्यों बोला जाता है, ये इस वजह से बोला जाता है कि कहा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास उसके पीछे 4M होते हैं। 4M में से एक, फॉर एग्जाम्पल, ये मेन हो गया, फिर मशीन हो गया, फिर मटेरियल हो गया, फिर मेथड, और 1E से क्या मुराद है, 1E से एनवायरमेंट आ गया, तो इसी वजह से इसको 4M and 1E बोला जाता है। फिश बोन डायग्राम क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं तो हमारे पास बिल्कुल एक फिश जैसी स्ट्रक्चर आ जाता है, इसी वजह से हम इसको फिश बोन डायग्राम बोलते हैं। अच्छा, इसको इशिकावा डायग्राम भी बोला जाता है। इशिकावा डायग्राम पर सवाल पैदा होता है क्यों बोला जाता है, इसी इशिकावा डायग्राम इस वजह से बोला जाता है कि ये हमारे साथ एक क्वालिटी का गुरु, जिसको ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं, उन्होंने ये प्रेजेंट किया था, इसी वजह से इसको इशिकावा डायग्राम भी बोला जाता है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। ये इंट्रोडक्शन इस वजह से मैंने क्या कि समटाइम्स आप लोग जब एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपसे ये सवाल आ जाता है कि रूट काज एनालिसिस या इशिकावा डायग्राम या फिश बोन डायग्राम या इस तरह के नाम दिए गए होते हैं, तो इसको दूसरा नाम पूछा गया होता है, तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हम देखते हैं कि जी सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम लिखते हैं, इफेक्ट लिखते हैं, और यहाँ पे इसकी काज लिखते हैं कि जी मशीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एनवायरनमेंट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, मटेरियल से या मेथड से, ठीक है। ये 4M हमारे पास हो गया और ये 1E हो गया, वही हमारे पास कोई इफेक्ट होता है या कोई डिफेक्ट होता है या कोई हमारे पास प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं कि जी मैंने कहा था कि ये इसको जब हम ड्रा करते हैं तो बिल्कुल ये फिश की तरह एक शेप इख्तियार कर लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से फिश के कांटे निकले होते हैं, ब्रांचेस निकली होती हैं, तो इसी तरह से एक फिश की शेप इख्तियार कर लेते हैं, इसी वजह से हम इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि हमारे पास हाई इलेक्ट्रिकल और स्ट्रेसेस अक्रेंस आ रही है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है। तो जाहिर है, देखिए हम मेन में जाएंगे, मेन में हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग है कि नहीं है। हम उसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो स्टाफ है उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं है। हम ये भी देख सकते हैं कि लेक ऑफ मोटिवेशन तो नहीं है एम्प्लॉइज का, यानी ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि मेन से रिलेटेड क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कि ये जो ऑपरेटर है उसकी गलती हो, उसकी तरफ से कोई एरर्स आ रहा होता है, तो किस तरह से एरर्स हो सकते हैं कि ये उसकी मोटिवेशन ना हो। मोटिवेशन ये कि उसकी सैलरी कम होगी, तो सैलरी कम होने की वजह से शायद वो काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा होगा। ये भी मुमकिन है कि जी उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, और साथ में ये भी हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, और ये भी हो सकता है कि उसकी क्वालिफिकेशन ना हो।
हो सकता है कि वो मैट्रिक पास हो, बेचारे को आपने यहाँ पे लगा दिया होगी, आपने इसको कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रिकल और स्ट्रेसेस तो आपने कम करना है, कंट्रोल करना है, तो उसको पता ही नहीं है और इसी वजह से ये वाला मसला आ रहा होता है। हो सकता है कि हमारे पास जो इंजीनियर हो वो भी इनकॉम्पिटेंट हो, इनकॉम्पिटेंसी की कई वजूहत हो सकती है, सिमिलरली के ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, कोई एक्सपीरियंस का इशू होगा कोई ले, यानी आप मेन के अंदर ये चीज़ें देखते हैं कि आप जो स्टाफ होता है उससे रिलेटेड आपके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है दिस इज आल्सो क्वाइट पॉसिबल कि आपका जो स्टाफ है उसके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकता है कि उसकी हाइट इसी से रिलेटेड इतनी नहीं हो, हो सकता है कि जी उसको कलर कोडिंग का इशू हो सकता है, जिस तरह कलर ब्लाइंड जिसे बोला जाता है, ये हो सकता है कि वो घर से बेचारा लड़ झगड़ के आया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप मेन के अंदर देखते हैं। अच्छा, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ आपको पता चलता है, आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं, हर कोई अपने अपने अपनी अपनी राय देते हैं, फिर आप इनको लिखते हैं और फिर उसके बाद फिर आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उस पे तरफ भी हम भी जाएंगे। मशीन की तरफ से आप ये देख सकते हैं कि शायद प्रेजेंस ऑफ स्पाइक्स हो, वहाँ पे कोई स्पाइक्स वगैरह कॉन्टेक्ट इश्यूज आ रहे हो, या पूर हाई डिजाइन का मसला हो, इसी सप्लाईज का इश्यूज हो सकता है, हाँ इक्विपमेंट ब्रेकडाउन का इश्यूज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। यानी आप देखते हैं कि मशीन के अंदर तो कोई मसला नहीं, हो सकता है जो आपके पास जो मशीन है वो ऑलरेडी ख़राब थी, हो सकता है मशीन की कैपेसिटी ना हो सकता है मशीन के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है मशीन को जो तरीका कार हो तो खैर तरीका कार में आ जाता है, हो सकता है मशीन जो है वो उसकी कैपेसिटी ना हो इस काम की, तो आप वो मशीन से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मटेरियल्स की हम बात कर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मेटेरियल्स की बात कर लेते हैं कि जी शायद हमारे पास जो है सही तरह से जो मशीन का जो चलाने का तरीका कार है बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, हम सही तरह से नहीं चला पा रहे होते, तो हमें कोई इस तरह की कोई तरीका कार हमें अपना लेना चाहिए जो सिंपल हो, जिसकी वजह से वो आसानी से चला सकते हैं। और अगर हम मेथड मटेरियल की बात कर ले तो हो सकते हैं कि जी हम लोग जो मटेरियल जो वायर वगैरह इस्तेमाल करें वो लोअर क्वालिटी का हो, वो प्रेशर रेजिस्टेंस को या लोड को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, जिसकी वजह से बार बार ट्रिप्स वगैरह आ रहे होते, तो हम ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों के बाद हम देखते हैं, हम सारी टीम डिसाइड करते हैं, हाँ जी हो सकता है कि ये वाकई ये जो ऑपरेटर है ना इसकी गलती है, ऑपरेटर का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर इसको लेके हम एक एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस का नाम क्या है, 5-5 एनालिसिस या 5-5 टेक्निक बोला जाता है, या इसको YY एनालिसिस बोला जाता है, उसको हम डिटेल में भी जाके पढ़ेंगे। इसको मजीद थोड़ी सी एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल आप किसी प्रिंटिंग उस कंपनी में हैं और आप ये देख रहे हैं कि जी आपका जो है प्रिंट जो है आप टाइम फ्रेम के अंदर जो है उसको नहीं कर सके, और आपको ब्रोशर के ऑर्डर मिले थे, आप लोगों ने ब्रोशर के ऑर्डर डिले कर दिए, आप नहीं कस्टमर को कर सकते, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि मेन से रिलेटेड कोई मसला था। हो सकता है कि आपके पास जो एम्प्लॉइज थे वो शॉर्ट थे, आप या ड्यूटी पे नहीं आए थे, उनके एब्सेंटिज्म थी, दूसरा उसकी शायद ट्रेनिंग ना हो कि वो मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना है, तो ये वाला इशू भी हो सकता है, और इसी तरह से ये भी हो सकता है इशू पे शायद जो है प्रूफ रीडिंग नहीं हुई हो, और या वो जो ऑपरेटर थे उनको प्रूफ रीडिंग करनी नहीं आती थी, इसी वजह से ये मसला डिले हो गया था। ये भी हो सकता है कि बैड एटीट्यूड हो सकता है, कुछ लोगों का होता है एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड के साथ साथ हम थोड़ा सा अगर पॉजिटिव भी बात कर ले तो हो सकता है कि मूड ना हो, क्योंकि मूड का भी होना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप और ये भी हो सकता है ज़रूरी है कि मोटिवेशन ना हो, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम मटीरियल्स को देखते हैं कि जो इंक इस्तेमाल होता है शायद वो इंक अच्छी क्वालिटी का नहीं था, वो इंक अच्छी या ख़त्म हो गया था, तो इसी वजह से हम लोगों ने लेट हो गया हमारा काम, तो इसी वजह से प्रिंटर जो है जो हम ब्रोशर हम प्रिंट नहीं कर सके। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास पैसे भी नहीं थे, देखो पैसों का होना बड़ा ज़रूरी है आपके पास, आपने कागज़ खरीदना होगा, आपने इंक खरीदना होगा, तो हो सकता है इसी वजह से ये वाला मसला आया हो। मशीनरी में भी इशू हो सकता है, स्पेशली अगर आजकल हम देखें तो बड़ी लोड शेडिंग होती है, तो हो सकता है लोड शेडिंग का इशू आ रहा हो, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया हो, ट्रिप हो गया फीडर, तो इसी वजह से भी ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो है मशीनें कम थी, हमें काम ज़्यादा मिला था, मशीनें कम थी, तो इसी वजह से हमारे पास लोड आ गया। अब हम बात करते हैं मेथडोलॉजी की, तो मेथडोलॉजी के अंदर हो सकते हैं कि जी ऑर्डर ही हमें जो रिपोर्ट जो हमें ऑर्डर भी लेट रिसीव हो सकता है हमें रिपोर्ट भी लेट, तो हम लोगों ने प्रूफ रीडिंग यहाँ पे करनी थी वो लेट रिसीव हुई थी, या हमारा जो प्रोसेस है वो लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, और ये भी था कि चेंजेस
प्रोसेस के अंदर या प्रिंटिंग के अंदर काफी चेंजेस जो है कस्टमर भी बताता रहा होता, मैनेजमेंट बताती रही, तो ये सारी चीजें हो सकते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि कोई किसी एक पे हम एग्री कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे जो रेड हुआ है तो प्रूफ पुअर प्रूफ रीडिंग हमारे वजह हमारी एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से हमारे पास ये मसला आ रहा था, और ये भी एक वजह थी कि ब्रेक डाउन बिल्डिंग काफी आ रहे थे और फंड भी नहीं थे हमारे पास। अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट प्रूफ रीडिंग या सेटिंग भी हमारे पास मसला हो सकता है। फिर इसका हम लोग वाई वाई एनालिसिस करते हैं, मिसाल के तौर प्रूफ रीडिंग के हम लोग करते हैं कि पुअर प्रूफ रीडिंग से हमारे पास क्यों थी, वाई फिर सवाल पूछते क्यों ये हमारे पास स्टाफ ट्रेनिंग नहीं, ट्रेन स्टाफ नहीं थे, क्यों ट्रेन स्टाफ नहीं था, क्योंकि हमारे पास फंड्स कम थे, फंड्स क्यों कम थे, क्योंकि हमारी एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी, हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं था तो हमने दूसरी जगह पे फंड लगा लिए थे। तो आपको एक वजह मिल जाती है कि बुनियादी वजह कहाँ पे है, सबसे बड़ी गलती कहाँ पे हो रही है। अब आपको देखना पड़ेगा कि मैंने जो है फंड अरेंज करने हैं ताकि मैं अपने स्टाफ की जो ट्रेनिंग करा सकूँ, उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद मेरे पास ये मसला नहीं आएगा। अच्छा एक अब एग्जांपल लेते हैं वाई वाई टेक्निक के, क्योंकि मिसाल के तौर पर एक टेक्नीशियन था वो बेचारा काम करते हुए स्लिप हो गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्लिप कैसे हुआ, ठीक है, तो स्लिप होने के लिए बड़ा हो सकते हैं कि जी आपको जवाब मिल गया कि जी वहां पे चूंकि आयल लीक हुआ था मशीन से जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, बंदा स्लिप हो गया था। फिर सवाल पैदा होता है कि भाई आयल क्यों लीक हो गया था, क्योंकि जी वहां पे जो मशीन के अंदर एक सील था वो खराब हो गया था, फट गया था, जिसकी वजह से वहां से लीकेज हो रही थी। फिर ये सवाल पैदा होता है कि भाई सील क्यों मतलब खराब हो गया था, तो ये जी जो सील हम लोगों ने इस्तेमाल की थी ये बड़े लो क्वालिटी का था, वीक था, जिसकी वजह से ये फट गया था और फिर वहां से लेके जाने लगे। फिर सवाल पैदा होता है कि जी ऐसे क्यों किया गया था, तो कहा कि जी हमें सस्ता मिल गया था। फिर सवाल पैदा होता है कि आपने सस्ता क्यों लिया, जी सर्विस मैनुअल के अंदर जो है ना एक तो ये कि जी स्पेसिफाई नहीं किया गया था और ये भी वजह थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे। शुरू में अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोगों ने ये बात की थी कि जी आपने जो है परचेजिंग जो करनी होती है, आपने जब कस्टमर के साथ या सप्लायर के साथ बिजनेस करना है तो सिर्फ आप लोगों ने प्राइस को नहीं देखना, आप लोगों ने क्वालिटी को भी देखना है। अच्छा अगर ये सर्विस मैनुअल के अंदर मेंशन नहीं था तो आपके लिए बड़ा मसला हो गया था इसी वजह से, और ये भी क्वाइट पॉसिबल थी कि हमने इस वजह से ले लिया था कि हमारे पास जो है कम कीमत में आ सके, तो इसी वजह से ये बड़ा इशू आ गया था। अच्छा अब हम चलते हैं, तो ये हमारे पास वाई वाई एनालिसिस था। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का आंसर जो है एक दो तीन चार पाँच या फाइव वाई के अंदर हो सकते हैं, छः वाई के अंदर आ जाए, हो सकते हैं सात वाई के अंदर आ जाए, हो ये भी पॉसिबल है कि चार वाई के अंदर आ जाए। एक बैंक की एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ पैसी जुबानी शेयर कर लेता हूँ। एक बैंक की जो हम लोगों ने देखा कि बैंक की जो है इनकम काफ़ी लो थी, तो ब्रांच की तो देखा कि जी एनालिसिस किया तो पता चला कि वहाँ की जो ए टी एम से जो प्रॉफिट आ रहा था या इनकम आ रही थी वो कम थी। उसकी वजह क्या थी, हम लोगों ने क्यों ऐसा क्यों था जी, ऐसा इस वजह से था कि जी मशीन जो एटीएम मशीन हर वक्त ख़राब रहती थी। फिर सवाल पैदा होता है कि क्यों ऐसा क्यों था, ऐसा जी इस वजह से था कि हम उसके अंदर पुराने नोट इस्तेमाल करते थे जिसके ऊपर मट्टी वगैरह लगी होती थी, तो जिसकी वजह से उसके डिस्पेंसर में मट्टी फंस जाती थी और फिर एटीएम ख़राब हो जाता था। फिर सवाल पैदा होता है कि पुराने नोट उसके अंदर क्यों डाल रहे थे, पुराने नोट इस वजह से डाल रहे थे कि जो ऑपरेटर था उसकी सैलरी कम थी, नए नोट वो सेल कर लेता था, नए नोट सेल कर लेता था तो उसके पास पुराने नोट बच जाते थे, तो एटीएम के अंदर वो पुराने नोट डालता था। तो मसले का हल आ गया हमारे पास कि जी जो ऑपरेटर था जो एटीएम का उसकी सैलरी बढ़ा दो तो आपकी जो है आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा, तो वो कमीशन के चक्कर से बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है फायर फायर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। नेट पे भी आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा इसके बारे में मवाद मौजूद है, आप लोग देखें, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इसको इस्तेमाल करने में। अच्छा जी दूसरा टूल जिसके बारे में अभी हम पढ़ने लगे हैं उसको बोला जाता है परीटो चार्ट। परीटो चार्ट को हम 80-20 रूल भी कहते हैं, इसको इस वजह से 80-20 रूल कहा जाता है कि आपके पास जो 80% प्रॉब्लम है उसके पीछे 20% कॉजेज है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये वाला कॉन्सेप्ट है, परीटो चार्ट या परीटो एनालिसिस या 80-20 का इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। बल्कि हम ये बात कर लेते हैं, घर की बात कर लेते हैं, हमारे घरों के अंदर 20% लोग जो होते हैं वो पूरे घर को चला रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के 20% ममालिक के पास जो है दुनिया की सारी दौलत है। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हम कहेंगे दुनिया के 20% ममालिक के पास दुनिया के बाकी ममालिक जितने रिसोर्सेज हैं जो पूरी दुनिया को ड्राइव कर गई, तो इसको परीटो चार्ट बोला जाता है। परीटो चार्ट के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं ये याद रखें तो आपको पता चल जाएगा कि परीटो चार्ट के अंदर होता क्या है। अच्छा बुनियादी मकसद जो परीटो चार्ट का होता है
और ये होता है कि आपने ऐसे वजूहात निकालने हैं, ऐसी प्रॉब्लम को सबसे पहले हल करना है जिसकी वजह से मेजॉरिटी आपका मसला चला आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी होटल में जाएं तो हम जो है प्रॉब्लम पूरे महीने का है, तो पता चले कि सबसे ज्यादा कंप्लेन हमारे पास जो आ रही है वो स्टाफ की बिहेवियर की आ रही है। तो सबसे पहले हमें स्टाफ के बिहेवियर पे काम करना है ताकि सबसे पहले इस मसले, यानी जो मसला सबसे ज्यादा आ रहा है आपने सबसे पहले क्या करना है, उन मसले को जो है आप लोगों ने हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि लिस्ट डाउन दी ऑल प्रॉब्लम डिफेक्ट्स। आपके पास जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको लिस्ट करें 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, यानी सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है वो पहले आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरे, फिर चौथी। फिर उसके बाद क्या करें, परसेंटेज हर एक के लिए करें, फिर कम्युलेटिव परसेंटेज निकालें, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा करें, और आखिर में क्या करें, तो ऐसी वजूहत जिसकी वजह से टोटल 80% प्रॉब्लम आ रही है आप उनको क्या करें, लिस्ट डाउन करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप किसी गाड़ी के शोरूम वगैरह में काम करें तो आपके पास क्वालिटी की कंप्लेन आ रही है कि हमारे पास 10% जो महीने में 10 प्रॉब्लम जो आए थे हमारे पास डेंट्स के आए थे, जो गेयर इश्यूज आ रहे थे गाड़ी में वो 15 आ रहे थे, ब्रेक इश्यूज 12 में आ रहे थे, और इंजन के इश्यूज जो है या ओवर हीटिंग या वर्ष जो भी प्रॉब्लम थे वो 13 आ रहे थे। तो आपने सबसे पहले लिस्ट डाउन कर दिया इन सबको। दूसरे स्टेप के अंदर मैंने कहा था इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी गेयर इशू को ऊपर लिख देंगे, फिर इंजन इशू आ जाएगा, और फिर उसके बाद ब्रेक इशू आ जाएगा, तो ये डेंट वाला मसला जो है सबसे आखिर में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से गेयर इशू ऊपर आ गया, इंजन इशू 13, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, अब दोबारा मैं बताता हूँ, सबसे पहले प्रॉब्लम लिख लेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट डाउन कर लेंगे कि जो जो फॉर एग्जांपल पिछले महीने हमारे पास ये वाले प्रॉब्लम आए हुए थे कि हमारे पास डेंट के 10 कंप्लेन आए थे, गियर इश्यूज के 15 आ रहे थे, ब्रेक के 12 आए हुए थे, और इंजन के 13 आए, तो हमने क्या कर दिया, हमने ये किया कि सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो है इसको आप परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इन सबको सम अप कर दें, इन सबको जमा किया तो हमारे पास 50 आया। फिर क्या किया कि 15 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दे तो हमारे पास 30% आ गया, ये हमारे पास 26 आ गया, ये हमारे पास 24 आ गया, ये हमारे पास 20 आ गया, सॉरी, यानी हमने हर एक का परसेंटेज निकाल दिया। परसेंटेज निकालने के बाद हम लोगों ने कम्युलेटिव निकालना है। कम्युलेटिव क्या है, पहले अगर ये 30 है तो ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे जो 56 आया वो किस तरह से है, 30 जमा 56, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 30 जमा 26 हमारे पास क्या आ गया, 56 आ गया, 56 आ गया। अब ये हम क्या करेंगे, 56 जमा 24 करेंगे हमारे पास 80 आ जाएगा, 80 प्लस 20 हम करेंगे हमारे पास 100 आ जाएगा। एक बात हमेशा के लिए याद रखें, आपके पास जो ये आखिरी नंबर है ये अगर आपके पास 100 नहीं आ रहा तो आपकी सारी कैलकुलेशन में गलती है, आप अपनी कैलकुलेशन देख लें, ये जो आपके पास आखिरी जो आंसर है वो 100 आना चाहिए। तो जब आपके पास इस तरह सारी चीज़ें आ जाएगी, अब आपके पास टाइम आ गया है कि आप क्या कर लेंगे, आप ग्राफ जो है ड्रा कर लेंगे। ग्राफ किस तरह से ड्रा करेंगे, ये देखिए गियर इशूज आ गए सबसे पहले 15, इंजन इशू 13, ब्रेक इशू 12, और फिर ये 10, ये 80% वाली लाइन है हमारे पास, ये कांस्टेंट लाइन है। अब हम लोगों ने देखना है कि ये वाली जो है, ये हमारे पास जो येलो कलर की आ रही है हमारे पास कम्युलेटिव आ रही है, हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जहाँ पे ये लाइन 80% की लाइन क्रॉस हो रही है उसके नीचे जो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं हमने उन प्रॉब्लम को क्या करना है, सबसे पहले हल करना है। तो इस तरह से हमारे पास 80% प्रॉब्लम हमारे पास हल हो जाएंगे। ये देखिए इसके नीचे कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसके अंदर ब्रेक इश्यूज आ रहा है, इंजन इशू आ रहा है, गियर इशू आ रहा है, तो जब हम सबसे पहले इन तीनों प्रॉब्लम को हल करेंगे तो हमारे पास 80% प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, यानी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। यानी ये हमारे पास प्रायोरिटाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने किन प्रॉब्लम को हल करना है, और ये कॉमन सेंस की भी बात है, कॉमन सेंस की बात है। इस तरह से देखो, जो प्रॉब्लम आपके पास सबसे पहले आ रही होती है आप सबसे पहले उसको हल करते हैं ताकि बड़ी बला से हमारे पास क्या हो जाए, जान छूट जाए। तो इस तरह से हम परीटो चार्ट को कर लेते हैं। दोबारा एक दफा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन करें, दूसरे नंबर पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के, तीसरे नंबर पे परसेंटेज निकले, चौथे नंबर पे कम्युलेटिव परसेंटेज, पांचवे में ग्राफ कर दो, और छठे में जो है स्टेप के अंदर आप ओ वाली काजेज निकाल दें जिसकी वजह से 80% प्रॉब्लम आ रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लम लिस्ट डाउन होगी, लिस्ट डाउन होने के बाद हम लोगों ने अगला स्टेप क्या कर दिया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के सबसे हाईएस्ट है उसके ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर परसेंटेज निकाल लिया। परसेंटेज निकालने के बाद हम लोगों ने ग्राफ ड्रा किया। ग्राफ ड्रा करने के दौरान हमें पता चला कि जी ये वाले प्रॉब्लम जो है इन लोगों ने सबसे ज्यादा जो है हमें तंग किया है, तो इन प्रॉब्लम को हम सबसे पहले करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। आप लोगों का इससे कोई रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग भी ये वीडियो भी इंशाल्लाह मिल जाती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ आपको।